गांधी जी ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले एक डॉक्यूमेंट लिखा था जो गांधी जी के वसीयतनामा के नाम से प्रसिद्ध है, कि कैसे हम लोक शक्ति को बनाएं बढ़ाएं और लोक शक्ति ऐसी मजबूत हो, गांव ऐसे मजबूत हो कि उनकी परनिर्भरता घटे, ख़त्म हो और वो हर मामले में आगे बढ़ें। और इसका अंतिम परिणाम ये होता है कि लोक शक्ति मजबूत हो करके, हज़ारों गांवों की शक्ति मजबूत होकर सत्ता पर नियंत्रण रखती। तो इसी उद्देश्य से गांधी जी के एक परम शिष्य कहिए या उनके नज़दीक के कार्यकर्ता कहिए, धीरेन्द्र मजूमदार, वो उस समय जो खादी का पूरा नेटवर्क था गांधी जी का, उसके वो अध्यक्ष थे गांधी जी जब जीवित थे तब। तो आज़ादी के बाद ये लोग थे ऐसे कार्यकर्ता जो समझते थे, ऐसे नेता थे जो समझते थे कि गांधी जी क्या चाहते हैं। तो जब लास्ट विल की बात आई, सामने आई, तो उसको उन्होंने तुरंत पकड़ा, अरे ये तो एक बहुत ही नायाब चीज़ है और इस दिशा में काम करना चाहिए। तो उन्होंने अपना बाकी काम छोड़ा और मुंगेर ज़िले में एक जमुई नाम की जगह है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर मलयपुर कहिए, मलयपुर स्टेशन जैसा है, वहाँ उन्होंने खादी ग्राम करके एक आश्रम बनाया। कई एकड़ ज़मीन, करीब 70-80 एकड़ ज़मीन वहाँ उनको मिली, खादी ग्राम उद्योग संघ की ज़मीन थी कुछ, उस ज़मीन और लोगों ने दी और इस तरह से एक बड़ा आश्रम बना जहाँ की गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में, गांव में जो तकनीकी विकास का काम, खेती में तरह तरह के प्रयोग उन्होंने किए, खेती का वैज्ञानिक तरीका कैसे गांव में इंट्रोड्यूस किया जाए, जो पुराना हज़ारों वर्ष पुराना तरीका हम किस भारत के किसान या उस इलाके के किसान अपनाए हुए हैं और उसी तरह से खेती करते हैं, तो खेती का पैटर्न कैसे बदले, सिंचाई का पैटर्न कैसे बदले, और ये भी कोई मशीन या जिसको मॉडर्न तरीका कहते हैं उसके बल पर नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल तरीका क्या हो सकता है जो जिसकी समझ गांव वालों को हो और गांव वाले खुद उसको ऑपरेट कर सकते हों, ऐसे तरीक़ों का उन्होंने विकास किया। वो खुद पढ़ाई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे जब छोड़ करके गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए थे, असहयोग आंदोलन। तो उनका दिमाग उस तरह का था, थोड़ा टेक्निकल, तो उन्होंने टेक्निकल नो हाउ भी गांव वालों की कैसे बढ़े इसके लिए काफ़ी कोशिश की। इस कोशिश का मर्म समझ करके उत्तर प्रदेश में एक प्रोफेसर थे आचार्य राममूर्ति, अब तो उनका नाम काफ़ी विख्यात है। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो एक एजुकेशन कमीशन बनाया था उन्होंने, उस कमीशन का अध्यक्ष भी उन्होंने आचार्य राममूर्ति को बनाया था। तो आचार्य राममूर्ति ने जब ये देखा, सुना कहीं से कि धीरेन्द्र मजूमदार वहाँ जाके इस काम को कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रोफेसरी छोड़ करके खादी ग्राम पहुँच गया और धीरेन्द्र के साथ, धीरेन्द्र मजूमदार को लोग धीरेन्द्र कहते थे। तो ये लोग कृपलानी जी के काफ़ी नज़दीक के लोग थे, उनका जो सर्किल था युवकों का उसमें ये शामिल थे। तो राममूर्ति जी भी आ गए, उन्होंने भी उस काम को आगे बढ़ाया। राममूर्ति जी एक थेरेटिशियन थे, धीरेन्द्र मजूमदार जो थे उनका काम करने में ज़्यादा रुचि थी, दिमाग चलता था, बहुत इनोवेटिव काम सब निकाल लेते थे। और राममूर्ति जी उस काम का जो थ्योरेटिकल बेस है वो क्या है और क्यों ये काम महत्वपूर्ण है, कैसे ये होना चाहिए, इस चीज़ को वो ज़्यादा योग्यता के साथ कर पाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि धीरेन्द्र मजूमदार सैद्धांतिक रूप से चीज़ों को कम समझते थे, उतने ही समझते थे बल्कि उससे ज़्यादा भी समझते थे, चूँकि गांधी के साथ उनकी ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन ये एक नए टर्म्स में, चूँकि प्रोफेसर थे तो बुद्धिजीवियों को ज़्यादा समझ में आए, वैसे टर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते थे। लेकिन आश्रमों के बारे में एक धारणा थी बनी हुई जो बहुत हद तक सच भी थी, और धीरेन्द्र मजूमदार ने खुद वो आश्रम बनाया, लेकिन खुद भी उन्होंने कहा कि हर आश्रम की एक ज़िंदगी होती है,
जैसे कांग्रेस आज़ादी के बाद गांधी जी ने कहा कि वो एक उसने अपना रोल अब समाप्त हो गया, उसका रोल अब नए रूप में काम करो, उसी तरह से हर आश्रम का हर इलाके में जो काम होता है वो एक समय समाप्त हो जाता है, उसको या तो नया रूप लेना चाहिए या उसको छोड़ करके फिर और कहीं काम करना चाहिए। तो 7-8 साल वहाँ जो काम हुआ बहुत अच्छी तरह काम हुआ, लेकिन उसके बाद धीरेन्द्र मजुमदार ने उस आश्रम को छोड़ दिया, कहा कि अब इसका काम इस इलाके में जितना हो सकता था हो गया, अब इससे ज़्यादा इसी जगह करने से काम होगा बढ़ेगा नहीं, तो छोड़ करके वो दूसरी जगह चले गए। लेकिन राममूर्ति जी वहाँ जमे रह गए, उनको लगा कि नहीं, जब 7-8 साल काम किया गया है और इतना अच्छा काम हुआ है तो इसको हम छोड़ क्यों दें, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस काम को और मजबूत करेंगे। तो वह लगे रहे और सारी ज़िंदगी उसकी उन्होंने अपनी वहाँ खपा दी। तो ये एक बहस आज भी चलती है और चलनी चाहिए भी कि एक स्थावर जो काम होता है उसके स्वरूप को कैसे हम निरंतर नया करते जाएं, और नहीं तो वो बेकार हो जाता है। तो खादी ग्राम के अनुभव से ये भी हुआ कि जब तक धीरेन्द्र मजुमदार ने काम किया और तब तक तो वहाँ एक जान दिखती थी कि ये जिंदा आश्रम है, बाद में राममूर्ति जी ने काम किया तो 20 वर्ष तक इतना अच्छा काम हुआ और सारे देश के रचनात्मक कार्यों का एक आकर्षण का केंद्र भी वो बना रहता था, चाहे पार्टियां हो, सरकार हो या लोग हों, वहाँ तरह तरह के प्रशिक्षण का काम होता था। जब जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया तो आश्रम जैसे संपूर्ण क्रांति के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण केंद्र ही बन गया कि आंदोलन क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें काम करना है तो कार्यकर्ता का चरित्र कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो शिविरों का तांता लगा रहता था, तो एक जीवित आश्रम था। लेकिन एक समय के बाद उस वहाँ गतिविधियाँ कम होने लगीं। एक कारण यह भी था कि जो उसके संचालक थे आचार्य राममूर्ति, उनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई कि खुद उनका उतना सक्रिय रहना संभव नहीं था, तो आश्रम एक अलग रूप में चलने लगा, एक व्यवस्था के रूप में चलने लगा, जिसको लोहिया जी ने कहा था, सर्वोदय वालों पर उनका आरोप रहता था कि भाई ये मठी गांधीवादी हैं, यानी आज़ादी के बाद इन्होंने जगह जगह आश्रम बना लिए, संस्थाएं बना ली, तो उसको मठ उन्होंने कहा, यहाँ से कुछ होता नहीं, बस बातों का प्रचार उचार होता है और कोई परिवर्तनकारी काम नहीं हो पाता है। तो इसमें पूरा का पूरा सच ये नहीं है, लेकिन इसमें तथ्य भी था। तो जो खादी ग्राम को देखने से कि जो एक समय इतना प्रेरक आश्रम था और प्रेरणा मिलती थी लोगों को और काम भी होता था, आसपास के गाँव में तो लोगों की स्थिति बदल गई थी, स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, वहाँ की खेती बदली हुई है, आज भी जाइएगा तो वहाँ के किसान, नए कई किसान मिलेंगे जो नए तरह की खेती करते हैं, ये सब बदलाव उसने किया। लेकिन उसका रोल एक समय समाप्त हो गया, और फिर जैसे एक मठ की व्यवस्था में होता है कि आपस में भी ग्रुपिज्म हो जाती है, चीज़ें टूटती हैं, बिखरने लगती हैं, वैसी स्थिति बनी, तभी कई लोग उसमें शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि कैसे इस चीज़ को बचाया जाए और इसमें से आगे निकाला जाए, तो ये देखना है कि आगे क्या होता है।